अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं इस वक्त हैदराबाद। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बड़ा अच्छा हाईवे कर दिया जब से ये कराची से हैदराबाद नई सड़क बनी है। पहले कहते थे स्पीड लिमिट जो है वो 110 थी, अब तो ऑफिशियल 120 स्पीड लिमिट दे दी है। मुझे अभी भी यूनुस भाई ने बताया कि बड़ा आराम से जाते हैं हैदराबाद, और ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है। जो पहले जाते थे हम इतनी देर में पहुँचते थे, सड़क भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब फ्रॉम वन टू प्लाजा टू हैदराबाद टू प्लाजा तो ये 1 घंटे 10 मिनट में तय हो जाता है, तो इसलिए ईजी है। अच्छा, हैदराबाद मैं क्यों जा रही हूँ? हैदराबाद मैं जा रही हूँ जी, एक फार्मास्यूटिकल फर्म है उसका शो है, वो करने के लिए जा रही हूँ। सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ और बड़ा नोन ब्रांड है ऑगमेंटन, हर एक के घर में बच्चों ने भी ली होती है, बड़ों ने भी ली होती है। वो करने हम इस वक्त जा रहे हैं हैदराबाद। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट इसलिए कि डॉक्टर साहब हैं, अपनी फ्रेटर्निटी से तो मिलूंगी वो 1-1.5 घंटे के शो करने के बाद। फिर हम निकलेंगे कहाँ कहाँ? सबसे पहले मैं जाऊँगी बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक लेने के लिए अपने घर वालों के लिए, मेरे अम्मा को बहुत पसंद है, वो ले जाऊँगी। और फिर क्या क्या मशहूर आपको पता है हैदराबाद की जो चूड़ियाँ हैं उनकी इंडस्ट्री बड़ी बहुत ही आप ये कह लें कि मशहूर है। तो मैंने अपने अम्मा से वादा भी किया था, मेरी अम्मा ने सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो इसलिए उनको हैदराबाद बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर उनका अपना घर आपके लिए वो था, एक ज़माने में बहुत रही है वो अपनी जवानी में, अब बचपन से जवानी में ही गुजारी है हैदराबाद में, और मेरे फादर ने भी। तो मैंने उन दोनों के लिए, अम्मा के लिए केक लेना है, अम्मा के लिए वाली चूड़ियाँ लेनी है ताकि उन्हें अपने शहर की याद आती रहे, और अपने लिए रबड़ी, हैदराबाद की रबड़ी जो है वो भी बड़ी मशहूर है, वो खानी। खाने के प्लान सबसे पहले बन जाते हैं ना बंदे के। हाँ, वैसे जब ट्रैवलिंग आप करते हैं तो सोचते हैं खाऊँगा क्या, जगह देखने का ना जगह। मेरा भी बचपन चुके हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार यहाँ रहते थे तो हम बचपन में आते थे, तो मुझे वो रानी बाग याद है हैदराबाद का, जिसमें जू था और हम जैसा भी था वो। लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया मेरी गई, मैंने हालात कैसे हैं यूनुस भाई, जू के हालात कैसे हैं? रानी बाग गए आप? वो कंडीशन नहीं है पुरानी, वो कंडीशन नहीं है। नहीं नहीं, वो कंडीशन नहीं है, अभी रास्ते में पड़ेगा, आप उसकी शूट कर सकती हैं, उसी रास्ते जाएंगे हम लोग। तो रानी बाग है और फिर वहाँ ठंडी सड़क बड़ी मशहूर है हैदराबाद की, रातें हैं बहुत मशहूर है। और अब तो उसने बड़ा मॉल वॉल भी बन गया है हैदराबाद में, लेकिन एक जमाने में रेशम गली कहते थे बाजार जो है यहाँ का, रेशम गली चांदनी मार्केट, रेशम गली ये इनके बड़े, और असल तो मज़ा कोनी बाजार में आता है। लेकिन हम देखेंगे आज मॉल भी देखते हैं अगर टाइम हुआ तो। मोस्टली भी हमारा प्लान है, हमारी गाड़ी और पीछे भी आ रही है, तो हमने कहा सिर्फ काम के लिए तो जा ही रहे हैं, सर दोस्त भी मिल लें। तो हमने अपना वो वाली लॉट जो है ना दूसरी गाड़ी में, वो इन लोगों ने वापस आते हुए हमने मछली खानी है जो बहुत ही मशहूर है। हाला नाका की दरियाए सिंध पे पल्ला मछली। अच्छा, हाँ, दरियाए सिंध की पल्ला मछली, वो एक खास तरीके से फ्राई होती है और वही बैठा बैठा फ्राई करता है, फिर उसको ग्रिल पे लगा देता है। हाँ, ताज़ा मछली, तो बड़े मज़े की होती है, तो वो भी खाएंगे। और इसके अलावा हैदराबाद में ज़ाहिर है बहुत अच्छा टाइम और अच्छा दिन गुजरेगा, और मैंने सोचा कि आपको भी इस जर्नी में शामिल रखते हैं, आपको भी हैदराबाद की चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ हैदराबाद। चीजों पर रुकना चाहती है।
नहीं मिलते हैं, सब चमकदार है। ये बालियाँ हैं, गोल बालियाँ होती हैं, चाइना बालियाँ, क्वालिटी अच्छी है। ये काली तो नहीं हो जाएंगी? ये पक्के कलर की है, यही तो आपको बता दूँ, ये पक्के कलर की है। ये इसकी लाइक अगर परफ्यूम से, पानी से काली परफ्यूम से, परफ्यूम से कंफर्म नहीं कर सकता मैं आपसे, पर ये है कि पानी से गारंटी, पानी से नहीं काली होंगी। बोले कैमरे में कि पानी से काली नहीं होंगी। पानी से नहीं होती मेरी बहन ही है। तो कितने दिन तक नहीं होंगी काली? ये एक महीना डेढ़ महीने की गारंटी आती है। रियली? ये इंडियन है, ये इंडियन पॉलिश है, इसके ऊपर ये पॉलिश की गारंटी है। पाकिस्तानी पॉलिश कर लिया करो ना, पाकिस्तानी पॉलिश से देखें, पाकिस्तानी पॉलिश है, ठीक है, पाकिस्तानी पॉलिश है, इसमें ना ये इसकी गारंटी नहीं आती ना, आपने गारंटी दूंगा तो यूज हो जाएगी आपकी ज्वाइंट पे, जो आपको अच्छा लगे ले लें। इसकी क्या प्राइस है? ये 100 की, ये भी 100 वाले। अच्छा नहीं, आप आपके पास कोई गोल्डन फिश होगी है? सुनहरी किसको बोलते हैं? आगे मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाए मुझे। ये रहू है? कौन सी है? सामन है। इसको बोलते हैं सुनहरी मछली, जो मशहूर है, वो मशहूर है। अच्छा तो वो आप फ्राई बना के देंगे? बारबेक्यू तो हाँ, वो ग्रिल कर देता हूँ। ठीक है, रबड़ी बनाने के लिए कितना दूध खर्च होता है? एक किलो रबड़ी 5 किलो दूध में बनेगी, और कितनी देर लगती है? एक घंटा लगेगा। दे दें